नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। अपने जबरदस्त एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक फिल्में देने वाले रणवीर सिंह अपने हर किरदार में जान डालने के लिए अच्छी खासी मेहनत करते हैं। हर फिल्म के लिए अपने लुक्स में चेंजेस करते हैं, अपनी बॉडी चेंज करते हैं। आइए आपको बताते हैं रणवीर की जबरदस्त फिल्में और उनका जबरदस्त किरदार। पद्मावत का अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के इतिहास के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन इस किरदार को बखूबी जिया रणवीर सिंह ने। खिलजी में रणवीर बेहतरीन लगे, उनका प्यार, उनका एग्रेशन, सब कुछ कमाल का था। इस फिल्म में खिलजी के शानदार एक्टिंग ने रणवीर की फैन फॉलोइंग में 4 चांद लगा दिए। बैंड बाजा बारात का कूल लड़का। 2010 में रणवीर ने यशराज बैनर की फिल्म बैंड बाजा बारात से बॉलीवुड में डेब्यू किया। दिल्ली के बड़बोले लेकिन बिजनेस माइंड लड़के के किरदार में रणवीर इस तरह समाए कि लगा ही नहीं कि ये इनकी पहली फिल्म है। एक एक सीन में उनका आत्मविश्वास किरदार को विश्वसनीय बना रहा था। बैंड बाजा बारात से ही अंदाजा हो गया था कि बॉलीवुड में रणवीर लंबे टिकने वाले हैं। लुटेरा का लुटेरा लड़का। लुटेरा इस पीरियड फिल्म में रणवीर ने एक शातिर ठग या चोर का किरदार प्ले किया था। रणवीर की ये तीसरी फिल्म थी और उनके पिछले किरदारों से बिल्कुल अलग थी। पीरियड फिल्में करना वैसे आसान नहीं होता, एक निश्चित दौर में खुद को स्थापित करना, पर उस समय के हिसाब से अपने हाव भाव और शारीरिक भाव भंगिमाओं को बदलाव करना उनके लिए मुश्किल था। पर रणवीर ने लुटेरा में भी जबरदस्त एक्टिंग की। इस फिल्म के बाद उनकी विश्वसनीयता में और इजाफा हुआ। गोलियों की रासलीला करते रणवीर। गोलियों की रासलीला रामलीला। संजय लीला भंसाली के साथ रणवीर की ये पहली फिल्म थी। उन्होंने गुजराती गैंगस्टर का किरदार प्ले किया था। ये किरदार भी नया था, पर रणवीर को आशिक मिजाज गुजराती गैंगस्टर के रूप में पर्दे पर देख कर बिल्कुल नहीं लगा कि उनकी जगह किसी और एक्टर को इस रोल के लिए चुनना चाहिए था। गुंडे रणवीर। यशराज बैनर और पीरियड ड्रामा में रणवीर जबरदस्त नजर आए। अली अब्बास जफर की फिल्म गुंडे 70 और 80s के दशक की सेट की फिल्म थी, जिसमें रणवीर ने कोयला माफिया का किरदार निभाया था। फिल्म में रणवीर अपने को एक्टर अर्जुन कपूर पर भारी पड़ते दिखे। बाजीराव मस्तानी। संजय लीला भंसाली के साथ रणवीर की ये दूसरी फिल्म थी। मराठा पेशवा बाजीराव और मस्तानी के प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म में अपने किरदार के लिए रणवीर ने मुंडन तक करवा लिया था। इस ऐतिहासिक मराठी किरदार को निभाने के लिए रणवीर ने बहुत मेहनत की। इसके लिए रणवीर ने अपनी भाषा से लेकर बॉडी लैंग्वेज पर भी खूब काम किया और पर्दे पर जबरदस्त इसकी कामयाबी देखी गई। बाजीराव के रूप में रणवीर ने क्रिटिक्स से लेकर आम दर्शक तक को प्रभावित किया। तो इस तरह इन किरदारों में रणवीर सिंह ने डाल दी जान और पर्दे पर हुए सुपर डुपर हिट। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।